एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैसे टैक्स रेट सेट किया जाए कि एक सामान खरीदें तो उस पर 5% टैक्स लगे, वही 10 खरीदें तो उस पर 10% लगे, वही 50 खरीदें तो उस पर 12%, इस तरीके से एक क्राइटेरिया के थ्रू टैक्स कैसे लगाएं। तो ये एक कंपनी है, इसमें जीएसटी चालू है और इसी में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, क्रिएट पे चलेंगे, एक स्टॉक आइटम बनाते हैं। ठीक है, यहां से आएंगे स्टॉक आइटम, ये रहा ये है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे SALT साल्ट, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, और ये साल्ट बिकेगा तो किलो में बिकेगा तो ये किलो कर देते हैं। यहाँ पर जब आएंगे ना तो यहाँ से इसको यस करेंगे, जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन HSN, तो चलिए इसको स्किप करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, एक ऑन आइटम रेट, ये बताए थे ऑन वैल्यू बताए थे। ऑन आइटम रेट में क्या है, यहाँ पर आप ऑन आइटम रेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्राइटेरिया डिसाइड करनी होगी। ठीक है, जीरो से लेकर अगर इसकी कीमत सपोज कीजिए 20 रुपये है, 20 रुपये तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा, वो चीज यहाँ पे देना। जैसे मान लीजिए इस पे 5% टैक्स लग गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है और आ, आ, कीमत जो है 30 रुपये तक है तो इस पर कितना लगेगा, 10% लगेगा। कितना लगेगा, 10%। तो दो क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया, ठीक है, 10% सेट कर दिया। अब 30 से ज्यादा है तो इस पे कितना लगेगा, तो इस पे लगेगा आपका 12%, तो बस इतना ही कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में हमने कुछ भी डाला है, यहाँ पे सेकंड वाला में नहीं डाला है, तो इसका मतलब 30 से चाहे जितना ज्यादा हो। ठीक है, ये तो एक सिखाने के लिए क्राइटेरिया बता दिया मैंने, तो ये हो गया। और इसका नाम साल्ट है, तो अब साल्ट की एंट्री जब भी हम करेंगे किसी भी वाउचर में तो इसी के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो सबसे परचेज में ही करेंगे, यहाँ परचेज में आ करके और यहाँ सॉल्ट की एंट्री करेंगे, सप्लायर के इनवॉइस नंबर डाल के एंटर करेंगे एंटर करेंगे, और यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर 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 करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सॉल्ट का लेजर इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्ट का ये लेजर हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है गोडाउन कौन से गोडाउन में रखना है, गोडाउन बनाना सिखाए थे, गोडाउन सिखाए थे ना। ठीक है, एंटर किया। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका रेट वगैरह डालना है, तो जैसे अगर रेट 20 रुपये हो 40 रुपये हो इस तरीके से, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं 20 रुपये डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ एंटर करता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 20 रुपये का रेट है, ठीक है, लेकिन फिर एक और साल्ट हमने परचेस किया, अब इस पे रेट क्या होगा आप देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे आए गोडाउन जो है, कोई भी गोडाउन ले लेते हैं, ये ले लिया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी 20 है और रेट क्या है, तो रेट डाल देते हैं, तो इस बार रेट है 30 रुपये। ठीक है, तो 30 रुपये होगा तो कितना लगेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। और इसको एंटर करके इसको एक्सेप्ट, दो ही रखा है, अभी इसको देखते हैं। यहाँ पर जीएसटी जो भी हमारा है वो लगाते हैं, तो CGST लगा दिया और फिर SGST भी लगा देंगे, तो दोनों लगा दिया। अब इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराइए। अब एक बार चेक करना है कि जो क्राइटेरिया सेट किया था उसके अकॉर्डिंग टैक्स रेट आया है कि नहीं आया है, तो ये हमने कर लिया, एंट्री पूरी कर ली। यहाँ से बाहर आइए, दो बार डी प्रेस कीजिए और यहाँ से आइएगा, तो ये हमारा है। ठीक है, यही था ना, ऑल्ट पी करेंगे एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ये बताएगा कि किसके किसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगा हुआ है। तो देखिए एक पे 6% 5% लगा है, दूसरे पे 10% लगा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टैक्स रेट ऐसे ऐसे करके आप देंगे। ठीक है, ऑन वैल्यू ऑन आइटम रेट ऐसे करके ये सेट होगा। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत इसमें, ठीक है।